जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लास ऑफ श्री राम पब्लिक स्कूल। आई एम आर के वर्मा ऑफ योर मैथ टीचर। टुडे आई विल एक्सप्लेन अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 6.2। देखिए, इसमें कल के वीडियो में आपको क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन दिया गया था। आज हम क्वेश्चन 6 का सोल्यूशन आपको दे रहे हैं इस वीडियो में। इसमें देखिए कह रहा, इन फिगर 6.33 पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर पैरेलल प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एंड इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ बी सी एंड स्ट्राइक द मिरर आर एस एट सी एंड अगेन रिफ्लेक्ट्स बैक अलोंग सी डी, प्रूव दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। अब जरा आप फिगर में एक बार देखें तभी समझ में आएगा। इसमें देखिए फिगर में आपको ऐसा क्वेश्चन कह रहा है कि दो मिरर आपको दिखाई दे रहा होगा, पी क्यू एंड आर एस। ये दोनों मिरर कैसे हैं? पैरेलल हैं। पैरेलल मीन्स इनके बीच कहीं भी आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो इक्वल मिलेगा, इनके बीच की दूरी सभी जगह इक्वल मिलेगी। तो दोनों मिरर कैसे हैं? पी क्यू आर एस पैरेलल हैं। यहाँ देखिए ए बी जो है ये आपकी ये जो है इंसिडेंट रे है, ये आ रही है ए बी और बी पर स्ट्राइक करती है और बी सी पाथ से रिफ्लेक्ट हो रही है। देखिए ये जो रिफ्लेक्टेड रे बी सी है यहाँ पर स्ट्राइक करती है सी पर और यहीं से स्ट्राइक करने के बाद वो सी डी पाथ से रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं कि यहाँ बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर, यहाँ यही तो यहीं पर तो टकरा रही है, ये जो ए बी है ये बी पर इस पर टकराती है और जो बी जो यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे है बी सी इस पाथ से आ रही है और इस मिरर को यहाँ पर देखिए कट कर रही है या यहाँ पर टकरा रही है बी सी रे सी पर, आर एस उसको मिरर को यहाँ पर टकरा मतलब कट करती है या टकराती है और यहीं से रिफ्लेक्ट होती है सी डी पाथ से। बात समझ आ गई होगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस पर नॉर्मल ड्रा करेंगे, एक जो है बी पॉइंट पर ये पी क्यू मिरर पर और देखिए यहाँ जो आर एस मिरर है यहाँ सी पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा करेंगे, क्योंकि हम जो इसमें पढ़ चुके हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आप पढ़ चुके हैं कि जो ये जो एंगल होती है इसका, ये जो इंसिडेंट एंगल जो यहाँ पर बन रहा है, रिफ्लेक्टेड जो इसका जो यहाँ से एंगल बन रहा है, ये दोनों इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होता है। ये आने वाली रे है और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे, इनके बीच नॉर्मल से जो एंगल बन रहे हैं दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो ज़रा देखते हैं इसमें सोल्यूशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा नॉर्मल्स। देखिए सबसे पहले हम नॉर्मल यहाँ ड्रा कर रहे हैं, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर होता है, तो इस मिरर पर जो है ये देखिए परपेंडिकुलर है बी एम और आर एस मिरर पर परपेंडिकुलर है सी एन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा नॉर्मल्स बी एम एंड सी एन एट पॉइंट्स बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। बात समझ आ गई होगी, क्योंकि हमको जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो इंसिडेंट रे है उसके बीच का एंगल हमको नॉर्मल से लेना है, यही तो यहीं से तो हमको यहीं से तो एंगल मिलेगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आप पढ़ चुके होंगे फिजिक्स में, सिंस पी क्यू पैरेलल टू आर एस। देखिए पी क्यू एंड आर एस कैसे हैं, दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं एंड बी एम इस परपेंडिकुलर टू पी क्यू। बी एम देखिए किसके परपेंडिकुलर है, पी क्यू के परपेंडिकुलर है एंड सी एन इज परपेंडिकुलर टू आर एस और सी एन किस पर परपेंडिकुलर है, आर एस पर है। देयर फोर बी एम इज पैरेलल टू सी एन। सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं, बी एम जो होगा वो सी एन के क्या होगा, पैरेलल हो जाएगा। देखिए अलग से फिगर आपको हम दिखा दे रहे हैं, यहाँ आप देखिए ये दो लाइनें आपको दिखाई दे रही होंगी पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें, ये अलग से फिगर देखने समझ में आ जाएगा, दोनों पैरेलल हैं और यहाँ से आप परपेंडिकुलर देखिए ड्रा कर दीजिए, ये 90 डिग्री
और यहाँ से परपेंडिकुलर आप ड्रा कर दिए, देखिए ये भी 90 डिग्री, ये देख रहे होंगे आप, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये बात समझ आ रही होगी। तो ये दोनों पैरेलल हैं और ये परपेंडिकुलर, देखिए यहाँ पर ये है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ये है। तो अब इसमें जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो ये एंगल भी तो इक्वल होंगे, तो ये इक्वल होंगे और ये दोनों एंगल ये आपके कोइंटीरियर हो जाएंगे, पैरेलल के एक ही साइड बन रहे हैं ना, तो और इनका सम 180 डिग्री होता है, तो ये भी 90 हो तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा, और ये 90 हो गए तो ये भी दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी। बात समझ आ गई होगी, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इस पर परपेंडिकुलर ये है और इस पर परपेंडिकुलर ये है, तो ये दोनों जो परपेंडिकुलर है ये भी दोनों कैसे होंगे, पैरेलल हो जाएंगे ये। ओके, तो ये देखिए लिखा हुआ है कि BM इज पैरेलल टू CN, जो BM है वो CN के क्या है, पैरेलल है। ओके, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगेन एंगल वन इक्वल टू एंगल टू, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू इक्वल कैसे होंगे, क्योंकि तो आपको पता होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में आप पढ़े होंगे कि नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे होती है एंड रिफ्लेक्टेड रे होती है इनके एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल वन इक्वल टू एंगल टू इधर इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एंड एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री कैसे हो जाएगा, देखिए BM और CN दोनों पैरेलल हो गए और BC जो रिफ्लेक्टेड रे थी, जो इसका पाथ था, ये ट्रांसवर किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का, ये ट्रांसवर्सल काम करेगा, तो एंगल टू और एंगल थ्री इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि कैसे एंगल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होंगे, अल्टरनेट, देखिए लिखा हुआ BM इज पैरेलल टू CN, BM पैरेलल टू CN एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल, सो एंगल टू एंड एंगल थ्री आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये टू एंड थ्री अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों पैरेलल होंगे। ओके, अगेन एंड एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर क्यों हो गया, क्योंकि जो BC रिफ्लेक्टेड रे थी इस मिरर RS के लिए इस पॉइंट एट पॉइंट C पर किसका काम करेगी, इन ये कैसी लाइन, ये कैसी रे कहलाएगी, इंसिडेंट रे कहलाएगी, और यहाँ स्ट्राइक कर रही है और ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, तो एंगल तो नॉर्मल से इक्वल हुई होंगे, तो एंगल थ्री एंड एंगल फोर इक्वल हो जाएंगे, देखिए लिखा हुआ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। ओके, क्योंकि जो यहाँ से जो पी क्यू मिरर से जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो आर एस के लिए इंसिडेंट रे का वर्क काम करेगी। ओके, तो अब यहाँ से देखते हैं, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को हमने जोड़ लिया है, लेफ्ट को लेफ्ट साइड में, राइट को राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो 1+2 लेफ्ट में हो जाएगा और 2+3 एंगल राइट में हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे जो है आप सेकेंड और थर्ड में जरा देखें अगेन, तो सेकेंड थर्ड में देखिए एंगल टू एंगल थ्री के इक्वल है और इसमें थर्ड में एंगल थ्री एंगल फोर के इक्वल है, तो एंगल टू एंगल फोर के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ देखिए लिखा हुआ एंगल टू इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल थ्री इक्वल टू एंगल फोर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉरी सेकेंड एंड थर्ड, तो यहाँ से क्या होगा कि एंगल जो टू है हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, फोर के, तो अभी देखिए 1+2 लेफ्ट में ऐसे छोड़ दीजिए, एंगल टू की जगह पर एंगल फोर कर दीजिए, थ्री को ऐसे रहा दीजिए, तो बताइए यहाँ से एंगल वन प्लस एंगल टू इक्वल टू एंगल फोर प्लस एंगल थ्री हो गया। अब देखते हैं एंगल 1+2 क्या है, 1+2 जब दोनों ऐड करोगे तो एंगल हो जाएगा ABC और 3 और 4 को ऐड करोगे तो एंगल BCD, तो इसका मतलब एंगल ये जो ABC होगा एंगल BCD के क्या हो गया, इक्वल हो गया सम करने के बाद। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है आर एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD। ओके, ट्रांसवर्सल BC इंटरसेक्ट AB एंड CD एट B and C एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ए एंगल ABC इक्वल टू एंगल BCD। देखिए यहाँ पर आप इसको जरा देखिएगा, ABC CD, AB और CD कैसे हो गए पैरेलल, एक मिनट, AB और CD आपके जो है ये यहाँ पर ये एंगल देखिए इक्वल हो गया, ये एंगल इक्वल हो गया और ये ट्रांसवर्सल हो गई है, ये ABC ट्रांसवर्सल हो गया ना, और ये एंगल देखिए इक्वल है, तो AB और CD कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखिए पढ़ा है कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, तो कन्वर्ज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स में क्या होता है कि अगर दो लाइनें जरा ध्यान से देखिएगा, दो लाइनें यहाँ देखिए फिर से फिगर दिखाता हूँ, दो लाइनें अगर पैरेलल हों और ये ट्रांसवर्सल देखिए इसको ऐसे कट कर रही हो,
तो ये एंगल कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर होंगे। तो अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। और कन्वर्ज में क्या होगा कि अगर दो अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल इक्वल हों तो ये दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल। इनका कन्वर्ज उल्टा है ये, कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं दोनों लाइनें कैसी होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। देखिए तो इसमें बताइए ये एंगल एबीसी और एंगल बीसीडी पैरेलल हैं कि नहीं है, सॉरी इक्वल हैं कि नहीं है, और ये बीसी ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, तो एबी और सीडी कैसे होंगे, कन्वर्ज के अकॉर्डिंग पैरेलल हो जाएंगे। तो देखिए लिखा हुआ है कि ये देयरफॉर एबी पैरेलल टू सीडी, एबी और सीडी कैसे हो गए, पैरेलल हो गए। आपके समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद जो है, अब इसमें और लंबा वीडियो नहीं बन सकता है थ्योरम, अभी हम बाद में आपको नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। थैंक यू।